और क्रियास भी गाड़ी में जाने के लिए पूरा बेताब है एकदम। जो घर मेरा दामाद खरीदा है, किंग का इशू दिख रहा था, लगभग तीन चार होटल में बात किया, क्रियांश को यहाँ से जाना ही नहीं उड़ रहा है, देख लो मुंह कैसे बना रही है। तो फाइनली जी हम लोग नैन्सी दीदी के यहाँ पहुँच चुके हैं, खूब मजा आ रहा है इसको, फिर भी कोशिश करेगा चढ़ने का। तो हम लोग जी हो गए तैयार, सारी पैकिंग भी हो चुकी है और बाहर देख रहे मौसम भी थोड़ा खराब होने वाला है, इससे पहले कि बारिश में हम लोग फंस जाए इससे जल्दी हम लोग निकल जाते हैं। और क्रियांश अभी फिलहाल सोया हुआ है, अच्छा है कि सोया हुआ है, सोया हुआ था तो सारी पैकिंग हो गई। फिर क्रियांश सब सीधा जाएगा गाड़ी में, फिर वहाँ जगह तो कोई बात नहीं, वहाँ खेलेगा। गाड़ी यहाँ आ गई है जी, सारा सामान यहाँ पर पैक कर दिया गया है और क्रियांश भी गाड़ी में जाने के लिए पूरा बेताब है एकदम। सबको जान रहे बहुत खराब है, लगता है की ईश्वर को मंजूर नहीं था इसलिए वहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं। खैर भगवान अगर दामाद बेटी दिए हैं, लोग अगर चिरंजीवी रहेगा हम भी दुनिया में रहेंगे तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्रार्थना है बाल बच्चा सही सलामत पहुंच जाए और फिर अपने दरवाजे लग जाए। जो घर मेरा दामाद खरीदा है उसमें उसको 100 वर्ष भगवान जी भी दे। ठीक है चलते हैं, लगता है की दादी घर में रख लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, से आ नहीं रहा है, बाय चल रहे आ गया। आने के लिए क्रियांश तत्पर है, ऐसे ही रुकने के लिए गाड़ी से उतरने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है गेट लगा लो, कहता है वाह तो घर से निकल चुके हैं जी और हम लोग रुके हुए हैं पटना से ठीक 120 किलोमीटर पहले, एक होटल मिला हुआ है, भूख लगी है बहुत तेज, तो हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ क्रियांश सर टेबल पर बैठ गया है, ये बाबा को याद कर रहा है, बोल रहा है बाबा बाबा। हम लोग जो है खाना ऑर्डर करते हैं, हम लोगों को सादा खाना ही खाना है कुछ, तो यहाँ पर मिल जाएगा तो जैसे ही आएगा खाना खाएंगे और निकलेंगे। और आज रात जो है हम लोग पटना में ही स्टे कर लेंगे और सुबह वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे सीधा दिल्ली के लिए। क्रियांश यहाँ भी आकर के अपना कारकुनी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट डे तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 3:30। हाँ जी हमें रुकना था पटना में जो कि हम पहुंच गए थे लगभग 11:30 बजे के करीब, लेकिन जब वहां गए होटल लेने के लिए तो वहां पर क्या हुआ कि पार्किंग का इशू दिख रहा था, लगभग तीन चार होटल में बात किया, सभी जगह पार्किंग का कुछ ना कुछ इशू दिख रहा था। फिर हमने सोचा यहां पर जितना देर में हम होटल ढूंढेंगे उससे अच्छा है कि अपना आगे भर लेते हैं और सुबह जहां पर भी मौका मिलेगा, जहां भी लगेगा कि हमें नींद आ रही है तो वहां पर रुक जाएंगे। फिलहाल भगवान की दया से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंच चुके हैं और अच्छा खासा डिस्टेंस जो है कवर कर चुके हैं। लखनऊ यहाँ से दिखा रहा है कि 4 घंटे के रास्ते पर है और सुबह 7:30 बजे के करीब जो है हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो लखनऊ पहुँच करके जो है रेस्ट किया जाएगा, 2-3 घंटे का नींद लेंगे और उसके बाद जो है फिर दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि चाह रहे जितनी जल्दी दिल्ली पहुँच जाए उतना अच्छा है। मेरे दिमाग में क्या रहता है ना, जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं फाइनल डेस्टिनेशन मैप लगा देता हूँ, उसमें लिखा रहता है कि कहाँ पर पहुँचना है, उसके बाद क्या कहते हैं कितने टाइम तक पहुँचेंगे। मेरा रहता है कि जो टाइम उसमें लिखा हुआ है उस टाइम से मैं थोड़ा पहले ही पहुँच जाऊँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ बात है। और क्रियांश जो है फिलहाल सोया हुआ है और जिया भी सोई हुई है, हमने कहा आराम कर लो तुम लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है कि मेरे पास में कोई सो रहा होता है, मेरी गाड़ी में कोई सो रहा होता है तो मुझे ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से ड्राइव कर लेता हूँ। तो क्रियांश जो है जब तक गाड़ी में रहता है तब बहुत परेशान करता है, लेकिन जैसे गाड़ी से बाहर आता है खेलने लग जाता है। ऐसे ही क्रियांश को लेकर के चलते रहेंगे, कुछ दिन में जो है क्रियांश को भी आदत हो जाएगा और वह भी मजे से ट्रेवल करेगा। 2 hours later भी सुबह के बज रहे हैं 5:00 बजने वाले और इसके पापा पीछे खा रहे मैगी और चाय। क्रियांश सोया हुआ था, क्रियांश भी उठ गया। क्रियांश बोलो तो कुछ, बोलो कुछ। मम्मा चाय पी रही थी लेकिन क्रियांश को भी पीना था चाय, बोलता है चाय चाय चाय, देख लो शर्म आ गई बच्चों को, चाय चले चाय बोलो। कहाँ जा रहे हो क्रियांश? आज लाइट जल रही है, किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो क्रियांश? किधर जा रहे हो? अच्छा लग रहा है, आप पकड़ो पकड़ो मम्मा पकड़ो मम्मा पकड़ो मम्मा पकड़ो मम्मा पकड़ो। लाइट से बात कर रहे हो? वो निकलेगा आपसे?
क्या निकालने की कोशिश कर रहा है उसको। अंश क्या कर लियो? पापा का है पापा? यंश पापा का है पापा? यंश पापा क्या कर रहे हैं? पापा पापा क्या कर रहे बेटा? पप्पा पप्पा इस लाइट को पकड़ने की कोशिश करता है, उखाड़ के ले जाएगा। देख लो फिर देख रहा है। पकड़ लीजिए आप इसको। क्रियांश ने अभी बहुत सारी फोटो क्लिक करवाई है। अब चले क्रियांश चले। अब कितना प्यार से मेरा बेटा सोया था, इन्होंने जगा दिया। खाना भी खाना था और ड्राइव करते करते हालत खराब था, तो इसलिए अच्छा हुआ कि यहाँ थोड़ा रेस्ट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं। तो बाकी अपना इसको भी थोड़ा घूमना था बाहर, अच्छा हो गया घूमे गए घूम लिया। क्रियांश को यहाँ से जाना ही नहीं, नहीं जाना ना। उड़ा है देख लो मुँह कैसे बना रही है। पापा बैठे नहीं बैठे वो भी चेक कर रहा है। बाय कर दो सबको बेटा। क्रियांश जहाँ भी रुकता है ना वहाँ पे अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं क्रियांश सबसे बात कर लेता है, सबको सबसे दोस्ती कर लेता है क्रियांश। बाय कर दो सबको। बाय बाय। चलिए अब अंदर चलिए, आइए बैठिए। अब बाय करेगा ये देखो गुस्सा से सर पटकता है लड़का। सर पटकेगा तू। हाँ तभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। पतिदेव थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और मैं क्रियांश को लेकर के बैठी हूँ। ये मेरा फोन इसके नीचे गिरा दिया है और सर पटकता है गुस्से में इसमें क्रियांश। तो फाइनली जी हम लोग नैन्सी दीदी के यहाँ पहुंच चुके हैं। तो सारा सामान अपना यहाँ निकाल लिया है, गाड़ी यहाँ पर पार्क हो गई। क्रियांश अपना पांडा भी लेकर के आया हुआ है। उधर क्रियांश रो रहा है कि उसके पापा के गोद में आना है, तो जल्दी से सारा सामान उठाते हैं और लेकर के चलते हैं अंदर। फिर बाकी जो भी बात होता है वहाँ पहुँच करके करते हैं। सारा सामान जी ऊपर रख लिया है और नैन्सी दीदी अभी बाहर तो इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। और फिलहाल क्रियांश और लड्डू ये लोग आए हुए हमें लेकर के अपने पार्क में, और क्रियांश यहाँ पर मजे में खेल रहा है, खूब मजा आ रहा है इसको। जगह जगह अपना घूम रहा है, फील्ड में देख रहा है इसके अनुसार क्या चीज है। तो इसको अंत में जो है एक चीज लगा कि इसके अनुसार वहाँ यहाँ स्लाइड। बात क्या है कि जब भी घर में यह रहता है तो आपने देखा होगा ब्लॉग में कि यहाँ जो सीढ़ी पर चढ़ता रहता है, तो सोच रहा है यहाँ वही सीढ़ी है, तो चढ़ने की कोशिश करता है, बेचारा चढ़ नहीं पाता। देखिएगा चढ़ने की कोशिश करेगा ये नहीं होता है चढ़ा हुआ। ओए क्रियांश ये सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है, फिर भी कोशिश करेगा चढ़ने का। तभी थोड़ा दूर तक चढ़ गया ये ओए गिर जाएगा। A few moments later. तो उधर जिया भी आ रही है, जिया को भी अंदर मन नहीं लग रहा था तो जिया आ गई अपना बाहर। और यहाँ पर जो है क्रियांश भी आराम से घूम रहा है। ओए उठ रहा है गिर रहा है। Happy driver. जी क्रियांश के साथ घूमने के लिए और क्रियांश यहाँ पर मजे में खेल भी रहा है। और यहाँ पर अपने को सब्सक्राइबर भी मिल गए और पता चला कि अपनी बिहार साइड से ही है, तो काफी अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा। मनीषा जी आपका क्या हुआ भैया? अभिषेक। हाँ तो इनका भी एक प्यारा सा बच्चा है, देख सकते हैं यह भी खेल रहा है। क्रियांश से बस 2 महीने का बड़ा है। ओए होए होए और वैसा ही नटखट है लगता है, शायद थोड़ा ज्यादा ही है। हेलो। हाँ पता चल जाता है दोनों एक दिन इधर ये इधर वो देखिए ये बहुआ चिकन मंडी के इतना खुश था नीचे ना, इतना खुश था इसको, तो और दोस्त सब मिल गए थे। The next day. लास्ट टाइम में हर दिन मम्मी कुछ ना कुछ करती भी मिलती है हर फंक्शन में। ये साड़ी ना इसकी सास ना लास्ट टाइम में दी है, कैसे तैयार करते हैं। हमारी सास मतलब हमारी माँ माँ लास्ट टाइम में दी है और कहीं वही पहने जी वही तैयारी हो रहा है। नैन्सी ब्लाउज सिल ली है फिर वो ब्लाउज सिली है नहीं सिल के पहले रखी इसको कई कलर चढ़ भी जाएगा इसको ग्रीन रेड नहीं वो ले आओ ना ब्लाउज वहाँ से उसका नीला भी ब्लाउज चल जाएगा तो भी नहीं पाओगे नहीं ब्लाउज इस कलर अच्छा डिजाइन बहुत सुंदर कटिहार से साड़ी है मतलब वहीं से ब्लाउज अच्छा नहीं हुआ था ना सुई का काम नहीं हुआ वही वहाँ ये सब चाय देना पानी पीने उनको बोल रहे हैं पानी पीने
दीदी मम्मी चाय है आपका देख चाय है भर भर के मम्मी को थोड़ा सा चाय मिलता है तो चिरती है थोड़ा चाय पीते हैं भर भर के भर भर ले आई दोनों तक और प्रयास अपने पापा को देखते हुए पापा उठ गए सोच रहा कैसे चढ़ जाए ऊपर अरे बाप रे गिर गया वो चढ़ना चढ़ा दे कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9 और हमारा नींद हो गया पूरा अच्छा खासा ड्राइव था और अब थोड़ा सोली अच्छा खासा अब लग रहा है थोड़ा अच्छा सा और फ्रेश सा फील हो रहा है और यहाँ पर हमारा चाय आ गया है तो चाय पीते हैं और उसके बाद जो है काम पर लगते हैं आज ही गिरी प्रवेश की पूजा है तो उसकी तैयारी भी करनी है तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई ब्लॉग तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।